सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ गुजरात के सबसे बड़े मॉल, जिसका नाम है फीनिक्स पैलेडियम मॉल। और ये अहमदाबाद में आज ही खुला है। तो क्या यहाँ की लोकेशन है, टाइमिंग्स है, ब्रांड्स हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, इस जगह के पूरे फुल टूर के साथ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस, ये आप सामने देख सकते हैं, हम आ गए हैं पैलेडियम अहमदाबाद मॉल, और इसकी लोकेशन है सरखेज गांधीनगर हाईवे थलतेज अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ आने का सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन आपको थलतेज का पड़ेगा, वहाँ से आपको 1 किलोमीटर दूरी पड़ेगी इस मॉल की। तो ये जो मॉल है, इसके अंदर 250 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये एक्सटीरियर जो आप देख रहे हैं ना, ये कलर चेंजिंग एक्सटीरियर है, इसका कलर बदलता रहता है। और रात को तो ये और भी ज़्यादा वंडरफुल हो जाता है देखने में। सारी टू व्हीलर पार्किंग है, फोर व्हीलर पार्किंग अंदर जाके आपको इस तरफ दिख जाएगी। ये देख सकते हैं, यहाँ पे टू व्हीलर एंट्री है और इसकी 10 रुपये पार्किंग चार्जेस हैं। तो यहाँ से फोर व्हीलर एंट्री है और फोर व्हीलर आपको बेसमेंट में लगाना होगा। फोर व्हीलर के 30 रुपीज़ के चार्जेस हैं एक कार के। ये मॉल की वेस्ट एंट्रेंस के पास आपको ये देखिए कितना शानदार हर्ट शेप्ड, दो हाथों से बनाया हुआ डिज़ाइन सा बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा है पैलेडियम लव अहमदाबाद। कितने शानदार फ्लावर्स वगैरह यहाँ पे हैं, और इसके साथ भी आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। शाम को तो इसका बहुत ही बढ़िया व्यू होता होगा, देख सकते हैं अंदर लाइटें लगी हुई हैं, तो शाम को तो ये बहुत बढ़िया लगता होगा। ना सिर्फ ये, पूरा मॉल ही बहुत बढ़िया लगता होगा। और वहाँ पे एलईडी स्क्रीन भी लगी हुई है, जिससे इस मॉल की सुंदरता काफ़ी बढ़ जाती है। एक कोने पे एक ये स्ट्रक्चर सा भी बनाया हुआ है, इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं आप। ह्यूमन फेस सा बनाया हुआ है एक तरह का। ये दूसरी एंट्रेंस है मॉल के अंदर जाने की, और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे मॉल की टाइमिंग लिखी है, सुबह 11 बजे से लेकर 11 बजे तक। और ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है मॉल के अंदर। तो चलिए इस मॉल के अंदर चलते हैं, ये वेस्ट एंट्रेंस की तरफ से। तो हम इस मॉल के अंदर आ गए हैं। सबसे पहले आपको ये दिखेगा, इसका नाम है द जैज ट्रियो। और ये इंटीरियर देखिए कितना बढ़िया है इस मॉल का। 5 फ्लोर हैं ऐसे ही इस मॉल में। धीरे धीरे करके आपको यहाँ के सारे फ्लोर्स दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लाइफ स्टाइल, काफ़ी बड़ी एरिया है ये। यहाँ पे आपको ये फर्नीचर, होमवेयर, वुमेंस एथनिक वेयर, किड्स वेयर, लेडीज फुटवेयर, मेंस वेयर, सब ये सब सामान मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऊपर एक बहुत बड़ा शीशा सा लगा हुआ है। आज पहला ही दिन है और देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं मॉल को देखने। संडे का दिन है और ये मॉल का देखिए इंटीरियर कितना बड़ा है। वो ऊपर तक 5 फ्लोर है। इस वक्त हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं, और ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ शॉप्स खुलनी बाकी हैं। धीरे धीरे करके आने वाले हफ्ते या महीनों में खुल जाएंगी यहाँ की जो बाकी कुछ शॉप्स हैं, नहीं खुली हैं जो। नॉटिका के बाद आगे है ओनली, और इधर इधर की ये जो कपड़े वगैरह मेरे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अर्बन फैशन टाइप सा है। प्राइस वगैरह लिखे हैं कैश पे 1299 की शर्ट्स हैं, और सारी लेडीज़ वेयर हैं, उधर मेंस वेयर भी हैं, शायद से मेंस वेयर भी हैं इनके पास। ये देखिए कितना बढ़िया लगा है, ये ट्रेंडिंग में है, काफ़ी पतला कपड़ा सा है ये। यहाँ पे है स्वरोस्की, ज्वेलरी रिलेटेड यहाँ पे आइटम मिल जाएंगे आपको। सो ब्यूटीफुल, ऐसे ही आपको यहाँ पे कई लग्जरी ब्रांड्स, इंटरनेशनल ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, नेशनल भी काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पर। टाइम टू टाइम यहाँ पे पियानो बजा के बहुत ही शानदार वाइब्स कर देते हैं ये इस मॉल के अंदर। बट अभी यहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं बैठा, तो चलिए आगे चलते हैं हम। और यहाँ पे एक और सेल्फी पॉइंट सा बनाया हुआ है, जिसके साथ आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। देखिए कैसे इंसान खींच रहा है इसको, बढ़िया लग रहा है काफ़ी। इसके साथ में यहाँ पे राडो स्विट्ज़रलैंड वॉचेस, ये डिस्प्ले में ये वॉचेस लगाई हुई हैं यहाँ पे। अब आगे है बाथ एंड बॉडी वर्क्स, और यहाँ पे खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है, फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। यही एरिया बाथ एंड बॉडी वर्क्स का। इधर यहाँ पे ऑफर भी है, ऑल फाइन फ्रेग्रेंस मिस्ट बाय वन गेट वन, और ऑल हैंड सोप्स 4 for 2 for 99। ये आगे है कोको कार्ट, और यहाँ पे कई तरह की चॉकलेट्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, देख सकते हैं काफ़ी चॉकलेट्स वगैरह, टॉफीज वगैरह।
काफ़ी वैरायटी के यहाँ पे चॉकलेट्स और टॉफीज़ वगैरह अलग अलग कंपनीज के। ये अथोस वॉच बुटीक से खुलने बाकी हैं, रितु कुमार खुलना बाकी है, सत्यपॉल खुलना बाकी है, और इधर एक और ये भी जगह है, ये भी खुलने बाकी हैं। इसके अलावा ये देखिए कैसे से ट्रांसफार्मर सा बनाया हुआ है, होता नहीं ऐसे कार में बदल जाता है, कभी ट्रक में बदल जाता है। तो ये भी एक स्ट्रक्चर सा है जिसके साथ आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं यहाँ पे। वाओ कितना बड़ा मॉल है। आगे हैं यहाँ पे ओरा 1888 है ज्वेलरी, ब्राइडल ज्वेलरी के लिए। फिर आ गए यहाँ पे मैसन दे परफ्यूम्स, ये परफ्यूम्स के लिए। और इस तरफ यहाँ कोने पे है मार्क्स एंड स्पेंसर, ही खुलने ही वाला है बस, अभी लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ मार्क्स एंड स्पेंसर का साथ H&MBA खुलना बाकी है भैया। और यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सैमसंग का भी एक शोरूम है जो भी जल्दी खुलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे ब्रूक ब्रदर्स भी है, ये भी खुलने बाकी हैं, अमेरिकन ब्रांड है ये। और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आप इंटरनेशनल फैशन ब्रांड देख पाएंगे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो जैसे नीचे H&M है वैसे ही यहाँ ऊपर भी H&M है फर्स्ट फ्लोर पे, और ऐसे ही नीचे जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर था ऐसे ही ऊपर भी मार्क्स एंड स्पेंसर है, ये खुलने बाकी हैं। ये शायद मेंस वेयर के लिए है और नीचे शायद वुमेंस वेयर के लिए। ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे चीज़ें जो भी आप यहाँ पे ख़रीद पाएंगे। ये हीलियस द प्रीमियम वॉच स्टोर, ये भी ओपनिंग सून है। और उसके बाद यहाँ पे है बरोमोड़ा, ये भी लेडीज़ वेयर के लिए शायद, अलग अलग वैरायटी के कपड़े वगैरह हैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब लेडीज़ वेयर के लिए यहाँ पे। बरोमोड़ा लव्स अहमदाबाद डिस्प्ले में लगाएंगे ये लेडीज़ वेयर। और इसके बाद यहाँ पे आगे लिंजरी का भी स्टोर है, ये भी खुलना बाकी है। और यहाँ पे लेबल रितु कुमार, ये भी खुलना बाकी है। फॉरएवर 21 भी कमिंग सून है, अमेरिका लीगल भी कमिंग सून है। द बॉडी शॉप खुला हुआ है, स्किन केयर रिलेटेड आइटम्स आपको मिल जाएंगे। द बॉडी शॉप यहाँ पे स्किन केयर रिलेटेड आइटम मिल जाएंगे, वेगन है और कुछ कुछ इनके न्यू प्रोडक्ट्स भी हैं, बॉडी के लिए भी हैं, हेयर के लिए भी है, सेंट के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, वुमेंस के लिए भी है, फेस के लिए भी है। और यहाँ देखिए डिस्काउंट भी अवेलेबल। अगला ब्रांड है चार्ल्स एंड कीथ, और ये भी लेडीज़ वेयर ही लग रहा है मेरे को, फुटवेयर और लेडीज़ पर्सेस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे आप। और इसके बाद आगे है आल्डो, आल्डो मेंस वेयर और लेडीज़ वेयर दोनों के लिए आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आगे है जस्ट इन टाइम, यहाँ पे वॉचेस वगैरह हैं, स्मार्ट वॉचेस भी देख सकते हैं यहाँ पर, रोमर वर्सेस सिटीजन, अलग अलग यहाँ पे ब्रांड्स के वॉचेस वगैरह हैं, रिसॉर्ट साइको और मोवाडो। इसके बाद आगे है स्टीव मैडन, ये भी कमिंग सून है। और ऐसे ही कुछ यहाँ पे और स्टोर्स खुलने बाकी हैं, क्लार्क्स ये भी ओपनिंग सून है, ला मार्टिना ये भी ओपनिंग सून है, एडिडास ये भी ओपनिंग सून है, सुपर ड्राई ये भी ओपनिंग सून है। बट यहाँ पे ये जैक एंड जोन्स ओपन है, और यहाँ पे लेडीज़ वेयर नहीं मेंस वेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, सारे प्राइस लिखे हुए हैं। टी शर्ट फ्रॉम 1299, शूज़ फ्रॉम 499, ये डिस्प्ले में लगाए हुए हैं शर्ट्स हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं देख सकते हैं, पहले ही दिन है। उसके बाद आगे ये सनफ्लावर सा बनाया हुआ है, ये भी एक तरह का सेल्फी पॉइंट सा है, इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं आप। ये फ्लावर से बनाया हुआ है और लीव से बनाया हुआ। आगे है फॉसिल, और ये भी वॉचेस हैं, फॉसिल वॉचेस आई थिंक स्पेशली ये लेडीज़ वेयर के लिए नहीं, जेंट्स के लिए भी है शायद से, नहीं जेंट्स के लिए भी हैं यहाँ। और ये भी कमिंग सून है। इसके बाद आगे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल्स लग्जरियस आयुर्वेदा, लग्जरियस आयुर्वेदा, और यहाँ पे इनके पास नाइट क्रीम वगैरह है और कई अलग टाइप के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं बॉडी केयर के लिए, आयुर्वेदिक स्किन केयर का प्रोडक्ट्स है, आयुर्वेदिक रिलेटेड आयुर्वेदिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर है, स्किन केयर हेयर केयर है, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स है। इसके अलावा गिफ्टिंग रेंजेस भी काफी सारी है, देखेंगे यहाँ पर। अच्छा ये मतलब पैक है,
हाँ जी गिफ्ट पैक्स है। ओके ओके ओके, गिफ्टिंग के लिए अगर कोई ऑकेजन है आपके। और मैंने एक चीज़ देखी, फ्रेगरेंस बड़ी अच्छी आ रही है। जी सर, फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। जहाँ भी जाएगा ना, हम बोलेंगे यहाँ का जो नेचुरल फ्रेगरेंसेज है आपको काफ़ी पसंद आएगा ये। ओके, आप ऐसे सर्च भी कर सकते हैं कि वो चीज़ आपको कहाँ पर मिलेगी। अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं ना, तो जब भी आप किसी फ्लोर के ऊपर आते हैं तो आपको ये दिख जाएगा इतना बड़ा स्क्रीन सी, और यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, बता देंगे कि कहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। उसके बाद आगे है यहाँ पे गैस, ये भी ओपनिंग सून है। रेयर रैबिट, ये भी ओपनिंग सून है। नायका लक्ष्य, ये भी ओपनिंग सून है। ये है नॉटिका आ गया, और ये शायद मेंस वेयर के लिए है नॉटिका। नॉटिका के बाद आगे है ओनली, और इधर इधर की ये जो कपड़े वगैरह मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी अर्बन फैशन टाइप्स है। प्राइस वगैरह लिखे हैं गैस पे 1299 की शर्ट्स हैं, और सारी लेडीज वेयर हैं। उधर मेंस वेयर भी हैं, शायद से मेंस वेयर भी हैं इनके पास। ये देखिए कितना बढ़िया लगा, ये ट्रेंडिंग में है, काफ़ी पतला कपड़ा सा है ये। उसके बाद इस तरफ आपको दिख जाएगा मैंगो का स्टोर, और इधर भी ऐसे ही लेडीज वेयर और मेंस वेयर के भी शायद कपड़े वगैरह हैं। तो जैसे आप नीचे लाइफस्टाइल देख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको लाइफस्टाइल दिख जाएगा, और सेकंड फ्लोर पर भी लाइफस्टाइल दिख जाएगा। इन्होंने बाहर लिखा है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे लाइफस्टाइल के, इस वाली शॉप में, इस वाली शॉप में, और इस वाली शॉप में। तो अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। सेकेंड फ्लोर पर आपको मेन्स फैशन के लिए काफ़ी ब्रांड दिख जाएंगे, लुइस फिलिपे, वैन इजन, यू एस पोलो, एरो, ब्लैकबेरी, फ्लाइंग मशीन। चलिए अब हम सेकेंड फ्लोर पर चलते हैं। इस सेकेंड फ्लोर पे आपको फुट फैशन के लिए भी ये ब्रांड दिख जाएंगे, मेट्रो, INC5, फिट फ्लॉप, बाटा, हश पपीज, रीगल, एसिक्स और रिबॉक के नाम से। सबसे पहले यहाँ पे मेंस फैशन के लिए स्पाइकर, स्पाइकर ये सब मेंस वेयर के लिए डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। ऐसे काफ़ी अलग अलग डिज़ाइंस में आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कपड़े वगैरह। अब जैसे आपको पता ही है समर आने वाली है, तो समर कलेक्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आगे है ब्लैकबेरीज, और यहाँ पे मेंस फैशन के लिए ब्लैकबेरीज की भी शॉप है, फिट फॉर द बिग डे, ये डिस्प्ले में लगाया हुआ। और जैसे आप पता ही सारे यहाँ पे शॉप्स की आज ही ओपनिंग हुई है 26 फरवरी को, ऐसे ही इस शॉप की भी आज ही ओपनिंग हुई है। बहुत ज़्यादा ऐसी कपड़े वगैरह हैं जो आप यहाँ पर आके देख पाएंगे और ख़रीद भी पाएंगे। तो ये आगे है टॉमी हिल फिगर, और नीचे जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, वहाँ पे कुछ शायद कपड़े वगैरह बिक रहे थे, ऐसे यहाँ पे आप बैग वगैरह खरीद पाएंगे बैग के लिए। यहाँ पे काफ़ी डिज़ाइन वगैरह हैं इनके पास, छोटे बैग भी हैं, बड़े बैग्स भी हैं, और इस टाइप के भी लेदर बैग्स हैं इनके पास। ये कलर बढ़िया लग रहा है। आगे है US पोलो असैसिन, और ये सिंस 1890 मेंस वेयर के लिए, सारे मेंस वेयर हैं शायद। आगे है एसिक्स, और यहाँ पे आप फुटवेयर, स्पोर्ट्स वेयर, अलग अलग टाइप के बूट्स वगैरह खरीद पाएंगे। डिज़ाइन देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। एसिक्स का आपको सेकंड फ्लोर पे मिल जाएगा, प्रोटेक्शन, कशन, बाउंस, स्पीड, आपको जैसे भी पसंद है जूते वैसे खरीद सकते हैं यहाँ से। और इसके अलावा शर्ट्स भी हैं, और ये स्पोर्ट्स के भी जूते वगैरह आपको मिल जाएंगे यहाँ। सेकंड फ्लोर पे आपको द पार्कोर मैन भी मिल जाएगा, पार्कोर मैन के साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। जैसे जैसे लेडीज के चलेंगे लिंक होगी, और इसके साथ में यहाँ पे स्केचर्स भी हैं, स्केचर्स के फुटवेयर हैं, मेंस वेयर, लेडीज़ वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। तो पीछे तक है देख, आगे यहाँ पे क्रॉक्स की भी शॉप है, क्रॉक्स बेस्ट सेलर है। सैंडल्स डिज़ाइन देख सकते, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है, किड्स वेयर के लिए भी साइड पे। प्यूमा का शोरूम अभी खुलना बाकी है,
इसके साथ यहाँ पे फ्लाइंग मशीन भी कमिंग सून है, और ये वाला ब्रांड भी है, ये भी कमिंग सून है। फिर इसके बाद है सैमसोनीट ब्लैक लेबल, और इधर यहाँ पे आप बैग्स वगैरह ख़रीद पाएंगे ट्रैवल के लिए, जो भी बैग्स होते हैं वो वाले। काफ़ी इनके पास डिज़ाइन वगैरह हैं, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल हैं। स्कूल बैग्स टाइप भी हैं इनके पास, थोड़े से अलग अलग टाइप के बैग्स वगैरह हैं। अब आगे यहाँ पे बीइंग ह्यूमन का भी शोरूम है, बीइंग ह्यूमन अगेन यहाँ पे मेंस वेयर के लिए स्पेशली काफ़ी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। समर अराइवल्स भी हैं, अलग अलग डिज़ाइन अवेलेबल हैं इनके पास। बीइंग ह्यूमन 100% लव केयर शेयर जो है, कैप ये अलग अलग कैप्स हैं बीइंग ह्यूमन के। बेल्ट्स भी हैं, अरे मैं जॉकी का खुला हुआ है यहाँ पे शॉप, ये वाला खुला हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे बैठने के भी एरिया बनाई हुई है इस तरफ। फूड कोर्ट ऊपर आपको मिलेगा, इसके साथ यहाँ पे वाघ बकरी टी लॉन्च है, वाघ बकरी टी लॉन्च स्पेशली चाय के लिए। चाय प्राइस वगैरह लिखे हैं, एक्सोटिक लग्जरी टीज भी हैं इनके पास। अब आगे है एरो, एरो यूएसए सिंस 1851, और यहाँ भी मेंस वेयर के लिए काफ़ी कपड़े वगैरह हैं, कोट्स वगैरह भी हैं इनके पास। आगे इसके बाद है रीगल शूज़, रीगल शूज़ इस तरफ लेडीज़ वेयर हैं और इस तरफ मेंस वेयर हैं, ये सब मेंस वेयर है इस तरफ। यहाँ आगे मेट्रो नाम से बैग्स वगैरह भी हैं, स्पेशली लेडीज़ वेयर, अगेन लेडीज़ वेयर का इस तरफ और मेंस वेयर का इस तरफ, अलग अलग टाइप के बैग्स हैं देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आगे है INC.5, इधर भी लेडीज़ वेयर, इधर मेंस वेयर। फिर आगे मोंटे कार्लो, मोंटे कार्लो के लिए लेडीज़ वेयर मेंस वेयर दोनों मिल जाएंगे, जैकेट्स भी हैं, फ़िलहाल उसका सीज़न नहीं है, बट इनके पास यहाँ पे समर अराइवल्स भी हैं, काफ़ी डिज़ाइंस अवेलेबल हैं इनके पास। इस कोने पे आपको मैक्स का शोरूम दिख जाएगा, यहाँ पे आप काफ़ी बड़ी एरिया में शॉपिंग कर सकते हैं। लेडीज़ वेयर के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी में है, और मेंस वेयर के लिए भी शायद बहुत वैरायटी में यहाँ पे। और जैसे मैंने कहा पहला दिन है, काफ़ी लोग यहाँ पे आए, इसी तरफ जितना उतना बड़ा है ना उतना ही बड़ा यहाँ पे पेंटालून्स का भी है, पेंटालून्स का, और इधर भी लेडीज़ वेयर और मेंस वेयर के लिए काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा है ना, अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी, ऐसे ज़्यादा डिटेल में आपको दिखा नहीं सकता कि क्या क्या चीज़ें हैं, नहीं तो पूरी 10 मिनट की वीडियो बना दूँ मैं एक चीज़ में। आगे यहाँ पे हश पपीज, हश पपीज के यहाँ पे मेंस वेयर है और बैग्स भी हैं यहाँ पे, और समर वेयर के लिए भी इनके पास काफ़ी शूज़ वगैरह हैं, सैंडल्स वगैरह हैं। थर्ड फ्लोर पे आपको वुमेंस एथनिक के लिए ये ब्रांड दिख जाएंगे। चलिए थर्ड फ्लोर पे चलते हैं हम, और ऊपर जाके आपको गेम जोन और एंटरटेनमेंट एरिया भी दिख जाएगा। तो जैसे नीचे मैक्स का शोरूम था, ऐसे ही ऊपर मैक्स का शोरूम, बट नीचे शायद लेडीज़ वेयर का था, ऊपर मेंस वेयर का है। और इसके साथ यहाँ पे होम सेंटर है, मतलब होम डेकोर रिलेटेड आइटम्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बेडिंग, टेबल वेयर, कुक वेयर, डेकोर वगैरह। और ये देखिए डिनर वेयर फ्रॉम 1 to 9, बहुत ज़्यादा होम डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, बहुत ज़्यादा वैरायटी में अवेलेबल है। वो देखिए पीछे तक तो काफ़ी। अब आगे है बीबा, बीबा के लिए यहाँ पे लेडीज़ वेयर के लिए काफ़ी कपड़े वगैरह मिल जाएंगे। सनसेट स्प्रिंग का डिज़ाइन है, देखिए ये लेडीज़ वेयर के लिए स्पेशली, बड़े साइज भी है, छोटे साइज में भी है, लेडीज़ वेयर है सारे के सारे, लेडीज़ वेयर है, कैजुअल वेयर भी है, और अलग अलग टाइप के वेयर भी है, फेस्टिव फैशन भी है इनके पास। आगे है मिस्टर DIY, मिस्टर DIY, इधर तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, और यहाँ पे आपको ये सब कैटेगरीज के आइटम मिल जाएंगे देख सकते हैं, हाउस होल्ड कार एक्सेसरीज, हार्डवेयर,
इलेक्ट्रिकल गिफ्ट्स वगैरह, भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ, टॉयज वगैरह मेरे बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। की रिंग्स भी हैं, 99 रुपीज की एक की रिंग। इस तरफ यहाँ पे काफ़ी क्लॉक्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रिकल इधर है, कंप्यूटर एक्सेसरीज यहाँ पे हैं, फिर वहाँ पे कैश लेके आप सामान लेके जा सकते हैं। अब आगे है मीना बाज़ार, इधर भी सारे लेडीज़ वेयर के लिए कपड़े वगैरह हैं। आई लव मीना बाज़ार है लिखा हुआ, ये देखिए फेस्टिव फैशन है, फेस्टिव फैशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इनके पास। तो थर्ड फ्लोर पे आपको फिर इस टाइप का एक सेल्फी पॉइंट दिखेगा, इसका नाम है द सैलोमैन, द सैलोमैन। इसके साथ भी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। देखिए गिटार कैसे बजा रहे हैं, सेफ्टी पिन से ऐसा लग रहा है, सेफ्टी पिन से गोल्डन रंग दिया हुआ है इसका। इस तरफ यहाँ पे वॉशरूम भी है और लिफ्ट वगैरह भी सब इस तरफ मिल जाएंगे, हर एक फ्लोर के आपको इस तरफ मिल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पे आगे W नाम से भी हैं और ट्रायम्फ नाम से भी हैं, एस्टिमेटेड स्पैन 1979 से भी हैं, सारे लेडीज़ वेयर के हैं। ये तावी नाम से भी, ये भी लेडीज़ वेयर है। और ये वाला खुलना बाकी है, आर के रितु कुमार, ये ओपनिंग सून है। फिर आगे यहाँ पे ओम मुक्ति नाम से, ये भी लेडीज़ वेयर है, अमुक्ति अमुक्ति लेडीज़ वेयर है सारा। इस तरफ है हाउस ऑफ पदावदी नाम से, और ये मतलब एक तरह के मैरिज फंक्शंस के लिए इनके पास है कपड़े वगैरह, डिस्प्ले में ये लगाया अंदर। आगे है जयपुर, जयपुर जयपुर जैसी इसकी मतलब शायद प्रोनाउंसिएशन है, जयपुर। और इधर सारे लेडीज़ वेयर के लग रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इनॉग्रल ऑफर, गेट 15% ऑफ ऑन शॉपिंग फॉर 6990 एंड अबव। ऐसे ही हैमलीज का भी एक एरिया है, ये भी खुलना बाकी है। और इधर ये खुला है प्योरा नाम से, ज्वेलरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास प्योरा नाम से। काफ़ी भीड़ है यहाँ भी, ये देख सकते हैं ज्वेलरी डिस्प्ले में लगाई हुई है इन्होंने। थर्ड फ्लोर पे रिलायंस ट्रेंड्स भी खुलना बाकी है और वैन हेजन वुमेन का भी एक शॉप है जो खुलना बाकी है। और इस तरफ प्योर होम एंड लिविंग का भी एक शॉप है जो खुलना बाकी है, रिलायंस डिजिटल का भी एक शॉप है जो खुलना बाकी है। आगे है जी के वी ऑप्टिकल्स, और यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के सन ग्लासेस वगैरह दिख जाएंगे अलग अलग ब्रांड्स के, इंस्पायरा, लेंस परम्बर, नोवा, स्पिरिट, रेबैन, ये रेबैन के इस तरफ, ये देखिए रेबैन के हैं इस तरफ सारे के सारे, सारे रेबैन के हैं। और थर्ड फ्लोर पे एक लास्ट यहाँ पे हेड डिज़ाइन भी है, यहाँ भी आप अलग टाइप के बैग खरीद पाएंगे। तो अब चलिए फोर्थ फ्लोर पे जाके देखते हैं कि हमें यहाँ क्या को देखने को मिलता है। वहाँ पे फोर्थ फ्लोर पे F&B एंड एंटरटेनमेंट मिलेगा, PVR, टाइम जोन, बर्मा, पंजाब ग्रिल सब मिलेगा ऊपर। चलिए ऊपर चलते हैं। तो ये फोर्थ फ्लोर पे आपको इस तरफ टाइम जोन दिख जाएगा, ऊपर फन सिटी भी है शायद, ये खुलना बाकी है, हैमलीस प्ले भी है, ये भी खुलना बाकी है। पहले हम टाइम जोन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी गेम खेल पाएंगे, शायद ये भी बंद करा हुआ है। तो मैं एक अलग वीडियो में आपको यहाँ का सारा टूर दूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपने नहीं किया तो। तो ये सारा का सारा टाइम जोन है, देख सकते हैं पीछे बॉलिंग भी खेल सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गेम्स हैं जो यहाँ पे खेल पाएंगे। एक डिटेल वीडियो अलग से आपको मैं दिखाऊंगा। ऐसे यहाँ पे क्रॉसवर्ड नाम से फिक्शन, नॉन फिक्शन, चिल्ड्रन बुक्स, किताबें वगैरह हैं यहाँ पे इस तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे बुक फेयर सा लगा होगा कोई यहाँ पे। बहुत वैरायटी की किताबें वगैरह इनके पास, बायोग्राफी की, नॉन फिक्शन, फिक्शन, बेस्ट सेलर सब मिल जाएंगी आपको यहाँ पर। यह कैंडी फ्लॉस, और कैंडी फ्लॉस के लिए देखिए स्लीप गियर, ये काफ़ी इनके पास डिज़ाइन वगैरह है, ऐसे टेडी सा बनाया हुआ है मतलब सोने के लिए, कहीं भी बैठ के सो सकते हैं। और ऐसे के डिज़ाइन इनके पास, कैप्स भी हैं, बैग्स भी हैं, अलग अलग टाइप के बैग्स हैं लेडीज़ वेयर के और मेंस वेयर के, बहुत वैरायटी की इनके पास चीज़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीम सेंटर वेज बिस्ट्रो है, ये खुलना बाकी है। और ये हेलो अहमदाबाद नाम से भी एक है, बर्मा का, ये भी खुलना बाकी है। इधर ये डिमसम हाउस भी है, गीतांजलि सैलून भी खुलना बाकी है, बट ये खुला हुआ है यहाँ पर, ये माय फ्रोयो लैंड ये खुला हुआ है, आइसक्रीम्स टाइप हैं काफ़ी।
और यहाँ पे लिखा है 1.25 पर ग्राम है और सेल्फ सर्विस है यहाँ पर। यहाँ पे अहमदाबाद फेवरेट गवालिया वना काम ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट भी खुलना बाकी है, वाओ चाइना भी खुलना बाकी है और यहाँ पे 75 लिखा है न्यू पोलिटन पिज़्ज़ा भी खुलना बाकी है। इस तरफ आपको फोर्थ फ्लोर पे इशारा नाम से फूड फॉर द सेंसेस का भी फूड कोर्ट सब मिल जाएगा यहाँ पे और यहाँ भी आप काफ़ी तरीके के खाने खा भी पाएंगे। यहाँ पे इशारा फूड लॉन्च है। फिर यहाँ आ गया है फू एशियन टपास, यानी यहाँ कई टाइप की सुशीज और कई अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जो एशियन यानी चाइनीज़ और जैपनीज टाइप के प्रोडक्ट्स भी हैं जो आप खा भी पाएंगे। और इस तरफ यहाँ पे पंजाबी ग्रिल, ये भी अनविलिंग सून है यानी कमिंग सून है, खुलने वाला है जल्दी, ये भी अभी नहीं खुला ये। फिर आगे यहाँ पे जेमी ओलिवर्स पिज़्ज़रिया, ये भी खुलना बाकी है। और फिर आगे यहाँ पे वर्ल्ड अमेरिकन बिस्ट्रो, ये खुला हुआ है। यहाँ पे आप नॉन वेजिटेरियन खाने का भी पाएंगे, चिकन रिलेटेड लिखा है यहाँ पे, वीट डॉग चिकन चिक चिकन शेक हिट आउट ये लिखा है, तो यह अमेरिकन ब्रांड है एक तरह का। और इसके बाद यहाँ पे मोबी किन्स, ये भी खुलने वाला है कमिंग सून, PVR भी यहाँ पे खुलने वाला है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PVR भी खुलने वाला है फोर्थ फ्लोर पे, आई मैक्स लग्जी आइस थिएटर्स ये खुलने वाला है और इसका कुछ इस तरीके का व्यू होगा, देख सकते हैं अभी नहीं खुला है, सब कुछ भी नहीं खुला अभी। यहाँ पे आई मैक्स खुलने वाला है, PVR तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। फिफ्थ फ्लोर पे भी शायद यही है, ये मैं आपको फोर्थ फ्लोर का दिखा रहा हूँ अभी। और ये देखिए इंटीरियर कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब हम फिफ्थ फ्लोर पर चलते हैं। फिफ्थ फ्लोर पे आपको फन सिटी हैमलेज द बिरयानी लेजेंड पिज़्ज़ा हट टाको बेल KFC निनीस किचन टिम मिल जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं सबसे इस मॉल के, ये सबसे ऊपर हम आ गए हैं फिफ्थ फ्लोर पे पैलेडियम अहमदाबाद मॉल के। सर यहाँ पे टाको बेल है और तो यहाँ पे बैठने के लिए बहुत ही बड़ी एरिया बनाई हुई है, देख सकते हैं सारी की सारी उस तरफ शॉप्स हैं और बीच में बैठने के एरिया है। इधर है मैड ओवर डोनट्स वगैरह खा पाएंगे आप यहाँ पे, 75 रुपीज़, 120 रुपये, 130 रुपये, 140 रुपये, 99 रुपीज़, अलग अलग इनके पास डोनट्स हैं, अलग अलग टाइप के डोनट्स हैं, एक्सपेयर डोनट्स। सबसे ऊपर मिलेगा फिफ्थ फ्लोर पे आपको ये, तो सारी बैठने के लिए इस तरह का द बिरयानी लेजेंड रियल हैदराबादी टेस्ट से खुलना बाकी है, बिरयानी टिक्कस मुगलाई रोल्स कॉम्बो से खुलना बाकी है अभी, पता नहीं कब खुलेगा। KFC भी अभी खुलना बाकी है, KFC भी खुलना बाकी है, पिज़्ज़ा हट भी खुलना बाकी है, ये देखिए फन सिटी भी खुलना बाकी है, हैमलीज प्ले जोन भी खुलना बाकी है, टॉय एरिया भी खुलना बाकी है हैमलीज। ये दक्षिण डिलाइट सोली साउथ मसाला, तो यहाँ पे आप तो साउथ इंडियन खाने भी खा भी पाएंगे। आगे हैं यहाँ पे डोमिनोज हॉट एंड फ्रेश पिज़्ज़ा, ये भी खुलना बाकी है। फिर है कुलचा, ये भी खुलना बाकी है। वाव मोमोज का एक नीचे बनता है बट अभी के टाइम वाव मोमोज ऊपर खुल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप मोमोज वगैरह खा पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे चटोरी गोलगप्पे और कई तरह के चाट टाइप की चीज़ें इनके पास हैं, ये भी खुल ही गया शायद। फिर आगे है टोरीटो एक्सप्रेस, टोरीटो ड्रिंक्स वगैरह भी है जो यहाँ पी पाएंगे। चाइना बेली नाम से भी ये भी खुलना बाकी है यहाँ पे, आप चिकन फ्राइड राइस चिली पनीर ड्राई। फिर आप यहाँ देख सकते हैं मैकडोनल्ड्स भी खुलने वाला है फिफ्थ फ्लोर पे, मैकडोनल्ड्स भी यहाँ पे खुलने वाला है फिफ्थ फ्लोर पे, जैसा पढ़ सकते हैं ओपनिंग सून कमिंग सून, फिफ्थ फ्लोर पे खुलेगा और इनका काफ़ी बड़ा एरिया होगा जो खुलेगा शायद। उसके साथ मैकडोनल्ड्स के टाको बेल है, टाको बेल ये रहा टाको बेल, और ये देखिए चीज़ी की टाको, वेजिटेरियन ऑप्शन में भी है, नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन में भी है। ये प्राइस वगैरह आप पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे खा भी पाएंगे। बिग बेल बॉक्स भी यहाँ पे, डेजर्ट भी है, बेवरेजेस भी है,